वेरी वेरी वार्म वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन एकेडमी। वेरी वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू। क्या हाल है एवरीवन? आ जाइए। हाँ वेरी सॉरी फॉर द डिले। ज्वाइन कर ले सब लोग प्लीज। एवरीवन प्लीज ज्वाइन द सेशन और थोड़ा सा लिंक को शेयर कर दें कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा सा लिंक को शेयर कर दीजिए माय डियर प्लीज। थोड़ा सा लिंक को शेयर कर दो एवरीवन जल्दी जल्दी और मैक्सिमम लड़के हमारे साथ जुड़ जाएं। वेरी वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी। थोड़ा सा लिंक को शेयर कर दो सब आदमी। जल्दी जल्दी आ जाओ। कम फास्ट। कौन देख रहा है थोड़ा कमेंट बॉक्स में अपना नाम मुझे बता दे। ओके तो बच्चों कल हम लोगों ने देखा था गेट का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गेट एग्जाम्स के लिए। तो उसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चन हमने किया था और बहुत सारी चीजें हमने सीखी थी। तो आप मेरा इससे पहले वाला जो लेक्चर नंबर है उसको आप जरूर देखिए। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत क्रिस्टल क्लियर वे में आपको मजा आएगा वहां पे। तो प्लीज एवरीवन वॉच दैट लेक्चर नंबर 14। और प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल है लीड गेट यूट्यूब चैनल्स पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसके प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों क्रैक गेट NESE विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। दिस इज अबाउट मी माई डियर स्टूडेंट्स। मैंने अपना बीटेक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी रांची से किया है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में। एंड आई वॉज ऑल्सो सिलेक्टेड इन IIT कानपुर फॉर मास्टर्स प्रोग्राम इन मैन्युफैक्चरिंग। एंड आई डिड माई प्रोजेक्ट वर्क एट IIT BHU विद द 5+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड मेंटर्ड मोर देन 30K स्टूडेंट्स फॉर गेट एंड ESE। तो माई डियर आप सब आदमी मुझसे मैन्युफैक्चरिंग पढ़ रहे हैं और मैं अपने स्पेशल क्लास पे मेटल कास्टिंग भी पढ़ा रहा हूँ। तो आप मुझे फॉलो करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर और फॉलो करके मेटल कास्टिंग का लेक्चर फ्री स्पेशल क्लास में भी आप देख सकते हैं। ओके एंड दिस इज माय प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू फॉलो मी। जैसे ही आप मुझे फॉलो करेंगे आपको मेरे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे फ्री स्पेशल क्लास पे प्लस कोर्सेज पे। प्लस पे तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो बाई टेकिंग द सब्सक्रिप्शंस यू कैन ज्वाइन माई कोर्सेज। ओके तो चलिए बच्चों अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आपको दो तरह का सब्सक्रिप्शन प्लान अनअकैडमी प्रोवाइड करती है। एक प्लस सब्सक्रिप्शन एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन में अनअकैडमी आपको डेली लाइव क्लासेस देती है जहाँ पे आप अपने एडुकेटर्स के साथ चैट कर सकते हैं उनके साथ डिस्कशन में इंगेज रह सकते हैं उनसे डाउट्स पूछ सकते हैं आंसर्स पोल्स के टर्म्स में कर सकते हैं। लाइव टेस्ट होती है क्विजेज होती है स्ट्रक्चर्ड कोर्स होते हैं। आपके पूरे के पूरे सिलेबस को ऑन द टाइम फिनिश किया जाएगा तो आपको उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक बार अगर आप सब्सक्रिप्शन लेके अनअकैडमी पे प्लस या आइकॉनिक कोर्सेज को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपकी पूरी की पूरी सिलेबस वहाँ पे कंप्लीट होगी। और प्लस पे मेरे अलावा आपको 20 बेस्ट एडुकेटर्स हैं जिनके कोर्सेज अवेलेबल हैं जो अभी पढ़ा रहे हैं वो आप मेरे साथ उनके पढ़ सकते हैं वहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन पे। तो यहाँ पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है हमारा अनअकैडमी का ये आपके गेट और ESE के प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है जहाँ पे और आपको एक पर्सनल कोच जो आपको वन ऑन वन गाइड करेगा टॉप एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताएगा लर्निंग रिसोर्स बताएगा वर्कशॉप बूस्टर्स देगा वीकली आपके मार्क्स को रिव्यू करेगा आपके स्टडी को ट्रैक करेगा आपके मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं राइट। तो बहुत सारी चीजों में आपको गाइड करेगा आपको हेल्प करेगा। ओके तो आप अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जरूर ले माय डियर और अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए।
आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस लेने से आपको 3 मंथ्स का कैंपस प्लेसमेंट्स, आईटी जॉब सब्सक्रिप्शंस अनएकेडमी पे मिलेगा, जहाँ पे आप कोडिंग्स स्किल्स और प्रोग्रामिंग लॉजिक्स भी सीख सकते हैं। ओके, स्पेशल क्लास, अनएकेडमी अपने स्पेशल क्लास को बहुत ही खूबसूरत बना रहा है, जहाँ पे आप इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। पोल्स होता है, आपका टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे बहुत अच्छा हो जाता है, टाइमर लगा होता है और आप एक पार्टिकुलर टाइम में आपको आंसर करना रहता है, तो आपको वहां पे भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होगी। और आपके पास मैसेजेस आ जाएगा नेवर मिस अ क्लास का कि सर लाइव होने वाले हैं 15 मिनट्स बाद, 20 मिनट्स बाद, 10 मिनट्स बाद, तो आपको याद रहता है, आपको मतलब 10 मिनट पहले एक रिमाइंडर दे दिया जाता है। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेक्चर नोट्स, ये बहुत अच्छा बेनिफिट्स है। आप जिस भी डिवाइस से चाहें उस डिवाइस से आप पढ़ सकते हैं, जैसे आप माई डियर लैपटॉप पे, मोबाइल्स पे, मैकबुक पे, और आईपैड्स पे, जिस पे भी आप पढ़ना चाहें वहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ओके, एक्सेलरेट एंड आरोहन बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं Fast10 कोड यूज करके। इन बैचेस को माई डियर आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होगा अनअकैडमी प्लस पे। रैंक इंप्रूवमेंट बैच है मिशन DDR, इनको भी आप Fast10 कोड यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस का हमारा जो फी स्ट्रक्चर है, 12 मंथ्स का 29,000, 18 मंथ्स का 37,000 एंड 12 मंथ्स का 42,000। Fast10 कोड यूज करने पे 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, AYAZ10। इस कोड को याद रखिए, और अगर आप वन टाइम पेमेंट नहीं करना चाह रहे हैं तो EMI ऑप्शंस में भी पेमेंट कर सकते हैं। और आइकॉनिक में फीस थोड़ा सा बढ़ जाती है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक पर्सनल कोच दिया जाता है, तो 45,000, 58,000 एंड 66,000, ये आपका हमारा प्राइस स्ट्रक्चर है। Fast10 आपको कोड यूज करना है, EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल है और वन टाइम पेमेंट भी आप चाहे तो कर सकते हैं। ओके माय डियर, तो चलिए अपने सेशंस को हम आगे बढ़ाएंगे, और थोड़ा सा लिंक को शेयर कर दीजिए, हमारे साथ बहुत कम लड़के जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा माय डियर लिंक को शेयर कर दो। एवरीवन प्लीज, एवरीवन प्लीज शेयर द लिंक एवरीवन। चलो कोई दिक्कत नहीं किसी को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया माय डियर, आ जाओ। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग, थोड़ा सा लिंक को शेयर कर दीजिए, सब लोग आ गए हैं। एवरीवन हैज ज्वाइन, एवरीवन हैज ज्वाइन, चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया। आ गए हैं सब लोग, आ जाइए। चलो माय डियर स्टार्ट कर दो सेशन को। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेडी सब लोग? एवरीवन रेडी? गिव मी अ थम, गिव मी अ थम माय डियर, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन, वेरी ब्यूटीफुल। चलो स्टार्ट करते हैं। स्पिंडल स्पीड, आज का टॉपिक का नाम क्या है? आज के टॉपिक का नाम है हमारा स्पिंडल स्पीड सिलेक्शन एंड ऑप्टिमल स्पिंडल रेंज। अब ये बात आती है कि सर ये स्पिंडल स्पीड है क्या, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पिंडल स्पीड सिलेक्शन, आ जाओ, स्पिंडल स्पीड सिलेक्शन। स्पिंडल स्पीड सिलेक्शन, तो आ जाइए माय डियर स्पिंडल स्पीड सिलेक्शन देखते हैं। तो आप पढ़े होंगे एवरीवन, जैसे आपको मैं थोड़ी सी चीजें बताऊं, आपको मालूम है लेथ के बारे में। लेथ क्या है हमारा? लेथ एक मशीन टूल है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे एवरीवन सी, तो आपको मालूम है कि अयाज सर दिस इज योर हेड स्टॉक लाइक दिस। वेरी वेल यू आर अवेयर। राइट, और ये माय डियर आपका वर्क पीस है। ओके, दिस इज योर वर्क पीस, ये हेड स्टॉक है एंड दिस विल बी योर टेल स्टॉक हियर। अब देखो यहाँ पे आपको मालूम है दो तीन चीज, कि ये है आपका हेड स्टॉक,
ये आपका टेल स्टॉक और ये आपका रोटेट करता है, एवरीवन सबको मालूम है कि ये आपका रोटेट कर रहा है, मान लीजिए एनआरपीएम से, ये आपका रोटेट कर रहा है एनआरपीएम से, इसका डायमीटर है डी। तो अब एक बात बताओ, तुम्हें एक चीज मैंने पढ़ाया है, इसका डायमीटर अगर डी है, तुम बोलोगे यार सर सुनना गौर से, ये हेड स्टॉक में क्या रहा है, स्पिंडल, स्पिंडल से कनेक्टेड मशीन टूल से, इसको एक टेंजेंशियल वेलोसिटी मिल रहा है एन, इस वर्कपीस को एक टेंजेंशियल वेलोसिटी मिल रहा है एन। सर गेट पीआई के लिए भी ये लेक्चर सफिशियंट है? बिल्कुल सफिशियंट है, बिल्कुल नवनीत, बिल्कुल। तो इसको एक टेंजेंशियल वेलोसिटी, एक आरपीएम तुम दे रहे हो, डायमीटर डी। तुमको मैंने पढ़ाया है कि कटिंग स्पीड तुम्हारा क्या होता है, एवरीवन तुमको मैंने पढ़ाया है कि कटिंग स्पीड वी होता है तुम्हारा पाई डी एन। तो ये जो आरपीएम, ये जो एन है, ये एन तुम्हें मिल रहा है कैसे, वी बाई पाई डी, वी बाई पाई डी मिल रहा है ना। अब सारे लड़के मुझे ये बताओ कि ये तुम्हारा आरपीएम है, ये तुम्हें मिल रहा है, ये तुम्हें मिल रहा है, तो ये जो आरपीएम तुमको कौन देगा, ये स्पिंडल जो हेड स्टॉक में है, जिससे वर्कपीस कनेक्ट है, रोटेट कर रहा है। तो डायमीटर जैसे जैसे बदलते जाओगे, ये डायमीटर वेरी करेगा, तो आरपीएम वेरी करेगा या नहीं करेगा, एवरीवन डायमीटर अगर वेरी करेगा तो आरपीएम वेरी करेगा। तो इसका मतलब तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का आरपीएम प्रोवाइड करना होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का आरपीएम तुम जो दोगे, उसके लिए तुमको एक गियर बॉक्स चाहिए जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का स्पीड दे। तो यही जो स्पिंडल स्पीड सिलेक्शन, मतलब जो स्पिंडल है ये वाइड रेंज ऑफ स्पीड देता है। तो मशीन टूल जो भी हमारा, जैसे लेथ है, लेथ एक मशीन टूल है, तो इन मशीन टूल जो स्पिंडल है हमारा, तो द स्पिंडल स्पीड इन द गियर बॉक्स, गियर बॉक्स रहता है, गियर बॉक्स से हम डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स को गेन करते हैं। तो ये कितने तरह का स्पीड आपको दे सकता है, तो होता क्या है माय डियर, कि जो स्पिंडल है आपको इसमें जो स्पीड्स अरेंज होता है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है। किसमें होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, जीपी में। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो भी स्पीड चाहिएगा सब आपको मिल जाए। आप बोलेगा सर मुझे 250 दे दो, 220 दे दो, 225 दे दो, 240 दे दो, 300 दे दो, 700 दे दो, ऐसा नहीं होगा। ये जो हेड स्टॉक है, जो स्पिंडल है, ये जो भी स्पीड आपको देगा, वाइड रेंज ऑफ स्पीड, मतलब सारा स्पीड क्या रहेगा आपका, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो इस चीजों को आप याद रखिएगा, ये जो आरपीएम आपको मिलेगा, तो यहाँ पे एक छोटा सा एक लाइन लिखिए माय डियर, स्पिंडल स्पीड सिलेक्शन में सबसे पहला लाइन, के इन मशीन टूल, इन मशीन टूल्स द स्पिंडल स्पीड इन गियर बॉक्सेस आर अरेंज्ड इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आर अरेंज्ड इन ज्योमेट्रिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एग्जाम में आता है कि जो स्पिंडल स्पीड है, गियर बॉक्स क्या है, गियर बॉक्स से तुम्हें, जैसे स्पीड रिडक्शन करने के लिए गियर बॉक्स एनसीसीएनसी में भी यूज करते हैं, तो जो तुम स्पीड में, जो तुम्हारा वेरिएशन आएगा विद द हेल्प ऑफ गियर बॉक्स, तो ये वेरिएशन कैसा आएगा, मान लो पहला स्पीड N1 है, तो दूसरा स्पीड N2 क्या होगा, क्या N1 N2 N3 N4 N5 जो डिफरेंट डिफरेंट स्पिंडल स्पीड है उसमें कुछ वेरिएशंस जो होता है वो कोई कोई प्रोग्रेशंस को फॉलो करता है क्या? तो हाँ, कोई भी मशीन टूल हो, द स्पिंडल स्पीड इन द गियर बॉक्सेस आर अरेंज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये बहुत बार एग्जाम में आता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब जीपी, इसमें अरेंज होगा हमारा जीपी में, याद रखिएगा जीपी, टू ऑब्टेन ए वाइड रेंज ऑफ सिलेक्शन, वाइड रेंज ऑफ सिलेक्शन, राइट, टू ऑब्टेन ए वाइड रेंज ऑफ सिलेक्शन। अब देखो यहां पे, अब तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट स्पिंडल स्पीड, जैसे
तुम्हारा डायमीटर चेंज करेगा। अगर लार्ज डायमीटर दो तो एक अलग स्पिंडल स्पीड चाहिए, छोटा डायमीटर दो एक अलग स्पिंडल स्पीड चाहिए। तो जो तुम्हारा स्पिंडल होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्पीड दिया, तो सबसे पहला स्पीड को बोला गया, या तो एक मिनिमम स्पीड देगा या एक मैक्सिमम स्पीड देगा। तो इसका जो फर्स्ट स्पीड जो स्पिंडल देता है, इसको अगर तुम मान लो लिख दो एन वन, सुनना गौर से क्या लिख रहे हो, एन वन। दूसरे स्पीड को तुम बोल रहे हो एन टू, तीसरे स्पीड को बोल रहे हो एन थ्री, इसी तरह सो ऑन तुम जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे, लास्ट में तुम्हें एक स्पीड मिलेगा एन एन, दैट इज कॉल्ड योर एनथ स्पिंडल स्पीड। तो कहने का मतलब होता है कि ये वाला जो स्पीड होता है हमारा, दिस इज कॉल्ड योर मिनिमम स्पिंडल स्पीड। फर्स्ट वाले को अपन क्या बोलते हैं, मिनिमम मिनिमम स्पिंडल स्पीड, और एन एन को बोलते हैं मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम। लास्ट वाले को एनथ स्पिंडल स्पीड इज योर मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड, और बीच वाला तो आपका है मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में वेरी कर रहा है। अब देखो मैंने क्या लाइन बोला कि इट इज अरेंज्ड इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इट इज अरेंज्ड इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, जीपी में अरेंज करते हैं। तो जीपी का पहला टर्म क्या होता है, जीपी का पहला टर्म आपको मालूम है माय डियर कि ए, अगर पहला टर्म आपका ए है राइट, तो दूसरा आपका क्या होगा ए आर, तीसरा आपका होगा ए आर स्क्वायर, होता है ना ए आर स्क्वायर और सो ऑन। जीपी अगर है तो लास्ट वाला टर्म देखो ए टू दी पावर वन ए आर, सॉरी ए आर टू दी पावर वन ए आर टू दी पावर टू, मतलब अगर थर्ड स्पिंडल स्पीड है तो पावर टू आ रहा है, सेकेंड स्पिंडल स्पीड है तो पावर वन आ रहा है, तो ये हो जाएगा ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, राइट ए आर टू दी पावर एन माइनस वन। यस यस नवनीत कुमार जी यस। अब आ जाइए देखिए, तो अगर आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये आपका एनमैक्स है, तो अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो आप बोलेंगे कि अयाज सर हमारा जो एनमैक्स होगा, यहाँ से दिख रहा है मुझे ये है हमारा एनमैक्स या एन वन, ये हमारा है ए आर टू दी पावर एन माइनस, और एन मिनिमम है हमारा, सॉरी ये एन एथ, ये एन एन राइट, और ये आपका एन वन, मिनिमम मतलब फर्स्ट, ये है आपका ए। तो अगर आप इस दोनों का रेशियो करेंगे माय डियर, इस दोनों का अगर आप रेशियो करते, दिख रहा है आपको ये आपका फर्स्ट स्पीड और एनएच स्पीड, अगर आप इस दोनों का रेशियो करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रेशियो करेंगे तो आपको मिलेगा एन मिनिमम एन मैक्सिमम डिवाइडेड बाई एन मिनिमम ए ए कैंसिल इज इक्वल्स टू स्मॉल आर टू द पावर एन माइनस वन मिलेगा माय डियर, स्मॉल आर टू द पावर एन माइनस वन। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली क्लियर राइट। तो एन मैक्स अपॉन एन मिनिमम स्मॉल आर टू दी पावर एन माइनस वन ए ए इज गोइंग टू बी कैंसिल। तो इसको तुम थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे, तुम बोलोगे कि हमें ये मिलेगा, देखो मतलब एन मैक्स इज इक्वल्स टू एन मिनिमम, एन मैक्स एन मिनिमम स्मॉल आर टू दी पावर एन माइनस वन राइट। Now, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो माय डियर, एन एनथ स्पिंडल स्पीड इज इक्वल्स टू फर्स्ट स्पिंडल स्पीड स्मॉल आर टू द पावर एन माइनस वन। अगर कभी तुमको एनथ स्पिंडल स्पीड निकालना है तो एन वन इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन राइट, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अब कोई लड़का पूछेगा सर यहाँ पे आर क्या है, तो आर क्या होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो राइट, ए आर बाई ए ए कैंसिल। तो यहाँ पे तुम आर को बोलोगे इट इज द रेशियो ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव स्पिंडल स्पीड, मतलब एन टू बाई एन वन, दो कॉन्जिक्यूटिव स्पिंडल स्पीड का रेशियो। तो कोई भी बोलेगा कि वेयर आर इज,
रेशियो ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव रेशियो ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव स्पिंडल स्पीड, एन मैक्स इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द स्पिंडल, मिनिमम एन वन इज द फर्स्ट स्पिंडल स्पीड, फर्स्ट स्पिंडल स्पीड मतलब सबसे पहला और सबसे मिनिमम, फर्स्ट स्पिंडल स्पीड, राइट। अच्छा, इसको आप मिनिमम भी बोल सकते हैं, मिनिमम स्पिंडल स्पीड। अच्छा, एनएथ क्या है? एनएथ कोई भी आपको निकालना है, मतलब जैसे फिफ्थ निकालना तो इनके जगह पे फाइव, तो दैट इज द एनएथ स्पिंडल स्पीड, एनएथ स्पिंडल स्पीड। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लीजिए आपको ऐसा है, मान लो माय डियर आपको निकालना है कि सपोज कैलकुलेट फिफ्थ स्पिंडल स्पीड, मतलब पांचवा स्पीड स्पिंडल क्या देगा, पहला तो देगा, पांचवा स्पीड क्या देगा। एक लड़का बोलेगा सर फिफ्थ स्पिंडल स्पीड का मतलब हो गया स्मॉल एन इज इक्वल्स टू फाइव, स्मॉल एन फाइव मतलब एन फाइव, एन के जगह पे डाल दिए फाइव, एन फाइव, एन फाइव इज इक्वल्स टू एन वन आर फोर, फाइव माइनस वन मतलब फोर, तो ये आ गया एन फाइव इज इक्वल्स टू एन वन आर फोर। इसको याद रखिएगा, इस तरह आप निकाल सकते हैं फिफ्थ स्पिंडल स्पीड, राइट। सिमिलरली आप एट्थ स्पिंडल स्पीड निकाल सकते हैं, राइट। जैसे एक और मैं दिखा देता हूं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। एट्थ, आठवां स्पीड क्या देगा? सारे स्पीड को हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अरेंज कर देते हैं सारे स्पीड को, राइट। तो ये एन हो जाएगा एट, सिमिलरली एन एट इज इक्वल टू, देखिए ये आएगा आपका एन वन आर टू द पावर सेवन। अब एक लड़का बोलेगा सर आर कैसे निकालेंगे, एन वन कैसे निकालेंगे? तो आर निकालने के लिए रेशियो ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव स्पिंडल स्पीड, दो कोई दो स्पीड का मतलब एन टू बाई एन वन, एन थ्री बाई एन टू, तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देगा जिससे आपका आर निकल जाएगा। अब बात आती है कि सर एन वन कैसे निकालेंगे, तो एन वन मैंने पढ़ाया कि एन वन इज द मिनिमम स्पिंडल स्पीड, सबसे कम। तो ये बताओ सबसे कम स्पीड कौन सा होगा, जो सबसे छोटा डायमीटर होगा। जब तुम सबसे छोटे डायमीटर मतलब एक तुम आगे बढ़ रहे हो, अगर वी मान लो, अगर वी यहाँ पे देखना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर हम आरपीएम की बात करें तो तुम्हारा, अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए, सारे लोग सुनो, अगर मैं बोलूं कि मुझे मैक्सिमम आरपीएम चाहिए तो डायमीटर क्या होगा, मिनिमम। तो मिनिमम डायमीटर के लिए मैक्सिमम आरपीएम, मैक्सिमम डायमीटर के लिए मिनिमम आरपीएम, अगर हम वी को कॉन्स्टेंट रख रहे हैं तो, राइट। तो थोड़ा सा इसको समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि डायमीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, डायमीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन आरपीएम। तो ये तो आप समझ गए, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखो। समझ में आ रहा है यहां तक? यहां तक सबको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम किसी को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा एवरीवन। चलिए ये आप समझ चुके हैं, अब चलते हैं माय डियर। जैसे मैं आपसे बोलूं कि यहां आ जाओ, जैसे मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि मुझे ये बताओ कोई एक लड़का कि एन मिनिमम क्या होगा, क्योंकि एन मिनिमम ही आपका क्या होता है माय डियर, एन वन। एन वन अगर मैं कभी आपको निकालने के लिए बोलूं तो आप बोलेंगे कि सर एन वन मतलब एन मिनिमम। तुम बोलोगे कि सर देखिए मिनिमम आपको निकालना है ना यहाँ पे, एन मिनिमम। तो मिनिमम कैसे मिलेगा, न्यूमरेटर को भी मिनिमम लिखिए और डिनोमिनेटर को मैक्सिमम। तो अगर हमें ये वाला मिनिमम चाहिए, अगर हमें ये वाला मिनिमम चाहिए माय डियर, देखना सवाल में, अगर हमें ये मिनिमम चाहिए, ये मिनिमम, तो ये भी मिनिमम, स्पीड मिनिमम और डायमीटर मैक्सिमम। क्योंकि मैं स्पीड को कॉन्स्टेंट अभी नहीं बोला, स्पीड बदल सकता है तुमको, क्योंकि स्पीड तो डिपेंड करता है कि आपको किस स्पीड पे काटना है, ताकि कॉस्ट आपका कटिंग कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो, राइट, ऑप्टिमम कॉस्ट के हिसाब से। तो कटिंग स्पीड भी मिनिमम, डायमीटर मैक्सिमम, तो ऑटोमेटिकली एन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं एन मिनिमम इज इक्वल टू, वी मिनिमम अपॉन पाई डी मिनिमम, डी मैक्सिमम, सॉरी पाई डी मैक्सिमम। तो देखो ऊपर वाला मिनिमम, तो ये आ गया हमारा वी मिनिमम, बहुत बढ़िया, ये तुम्हारा आ गया मिनिमम स्पीड, राइट। अब देखो यहां पे
दूसरा अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैक्सिमम स्पीड, तो मैक्सिमम के लिए मिनिमम वाला पहला स्पीड होता है, मिनिमम वाला पहला और मैक्सिमम वाला लास्ट। अब लास्ट डिपेंड करेगा एन पे, अगर तुम्हारा 8 से स्पिंडल स्पीड होगा, टोटल 8 स्पीड होगा, तो 8वां स्पीड मैक्सिमम होगा, टोटल 10 स्पीड होगा तो 10वां स्पीड मैक्सिमम होगा। इसलिए मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं कि कौन सा स्पीड, राइट। तो ये तुम्हारा हो जाएगा माई डियर वी मैक्स, क्योंकि ये एन मैक्सिमम चाहिए, तो लेकिन डायमीटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर मिनिमम, ये तुम्हारा ऐसा आ जाएगा। क्लियर है एवरीवन? तो अब इस दोनों को अगर तुम डिवाइड कर दो दोनों को, मान लिया अगर हम दोनों को, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एन मैक्स। देखो यहाँ पे हमें चाहिए एन मैक्स अपॉन एन मिनिमम, एन मैक्स अपॉन एन मिनिमम चाहिए, तो एन मैक्स अपॉन एन मिनिमम डिवाइड करो तो ये तुम्हारा आ जाएगा। तो एन मैक्स अपॉन एन मिनिमम, तो वी मैक्स डिवाइडेड बाई डी मिनिमम इंटू पाई। टेल मी एवरीवन, एन मैक्स अपॉन एन मिनिमम, तो डी मैक्स अपॉन वी मिनिमम, ये हमारा आ रहा है, करेक्ट है एवरीवन? देखो अब ये तुम्हारा माय डियर, ये पाई पाई कैंसिल, तुमको साफ साफ दिख रहा है यहां से कि एन मिनिमम, देखो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, तुमको क्या दिख गया यहां से कि एन मिनिमम एन मैक्स, सवाल इसी पे आएगा, एन मैक्स बाई एन मिनिमम, ऊपर में दोनों मैक्सिमम, मतलब वी मैक्स डिवाइडेड बाय वी मिनिमम, इनटू डी मैक्स बाय डी मिनिमम, और एन मैक्स बाय एन मिनिमम हमारा किसके बराबर था, एन मैक्स बाय एन मिनिमम आर टू दी पावर एन माइनस वन, इसको तुम लिख दो आर टू दी पावर एन माइनस वन। तो ये तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, इसको एकदम याद रखना है एवरीवन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। याद रहेगा सबको, टेल मी एवरीवन, याद रहेगा आप लोगों को, एन मैक्स अपॉन एन मिनिमम इज इक्वल्स टू वी मैक्स अपॉन वी मिनिमम, वी मैक्स अपॉन वी मिनिमम, डी मैक्स अपॉन डी मिनिमम, राइट? क्लियर है? जल्दी से बता दीजिए मुझे, क्लियर है सबको? जल्दी से मुझे बताओ, ये एन मैक्स अपॉन एन मिनिमम ये याद रहेगा या नहीं याद रहेगा, ये याद रहेगा या नहीं याद रहेगा? सारे लड़के, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट, एवरीवन, क्लियर है नवनीत जी? वेरी गुड, वेरी गुड, अमेजिंग 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 माय डियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम्स को हम करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स को करते हैं हम लोग, मजा आ रहा है, क्लास समझ में आती है मेरी? लर्नर्स कैसे बढ़ेंगे, नवनीत, नवनीत, आकाश, लर्नर्स कैसे बढ़ेंगे चैनल पे, कुछ ये बताओ, लर्नर्स कैसे बढ़ेंगे, लर्नर्स बहुत कम रह रहे हैं, कैसे बढ़ेंगे? हाउ कैन वी इंक्रीज द लर्नर्स? तो अब आपके लिए सुनिए, ये जो है ना, यही है मेन, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है,
तो आप स्पीड का सिलेक्शन कर सकते हैं, फिफ्थ स्पीड, सिक्स स्पीड। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस के साथ हम आगे बढ़ते हैं माय डियर, कुछ क्वेश्चंस के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पहला प्रॉब्लम नंबर वन देखो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर वन। प्रॉब्लम नंबर वन ये है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। हेड स्टॉक ऑफ द हेड स्टॉक ऑफ ए लेथ हैज नाइन स्पीड्स, मतलब ये नौ तरह का स्पीड दे सकता है। क्या कर सकता है? नाइन तरह का, नाइन डिफरेंट स्पीड्स, नाइन स्पीड्स रेंजिंग फ्रॉम 100 RPM टू 160 RPM, राइट। द रेशियो बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव स्पिंडल स्पीड इज, द रेशियो बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव स्पिंडल स्पीड इज, द रेशियो बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव स्पिंडल स्पीड इज ऑप्शन ए माई डियर, टू टू दी पावर वन बाई टू, टू टू दी पावर वन बाई थ्री, टू वन बाई फोर। बना सकते हैं इसको एवरीवन, क्वाइट इजी प्रॉब्लम है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए मुझे सारे लड़के। द हेड स्टॉक ऑफ अ लेथ हैज नाइन स्पीड्स रेंजिंग फ्रॉम 100 RPM टू 160 RPM, द रेशियो बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव स्पिंडल स्पीड इज। कोई लड़का मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे जल्दी से, हाउ कैन यू प्रोसीड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट, हाउ कैन वी सॉल्व दैट, वी आर गोइंग टू राइट द गिवन पार्ट, दैट व्हाट इज गिवन now, that is n, n means a small n is your 9, because total 9 different speeds are there. Minimum speed is 100 and maximum speed is, sorry, it is like this, sorry my dear, it is your 1600 RPM. That's why you guys are not responding, right? That's why you guys are not responding. I'm very sorry, it is 1600 RPM. Now you will get the answer. N maximum is your 1600, right? So this we are having. Now we know the formula that N max by N minimum R to the power N minus 1. So now use that. So N minimum, N maximum divided by N minimum so that is your 1600 divided by 100. R value R to the power 9 minus 1 means R to the power 8, means R to the power 8 is equals to 16. R is equals to 2 the power 4 to the power 1 by 8 means 2 to the power 1 by 2. Is it clear everyone? Is it clear? एक बार thumbs up दे दीजिए। एक लड़का आंसर बताया नवनीत, ऋषभ राजपूत, आकाश बगल, दोनों आदमी आंसर नहीं बता रहे। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। आज लर्नर्स भी बहुत कम है, क्यों? आज बच्चे भी बहुत कम है। जल्दी से बताइए, ये हो गया, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सर कहाँ का है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स एंड द सेम क्वेश्चन इज रिपीटेड इन इसरो, प्लस 3 मार्क्स। बिना कैलकुलेटर के आप कर सकते हैं सेम क्वेश्चन इसरो में और ईएससी प्रीलिम्स में, राइट? तो आप आराम से कर सकते हैं। गेट में अभी नहीं आया ये वाला, ये नहीं आया, राइट? आई होप इट इज क्लियर। सब आदमी, सब आदमी, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाइए।
बहुत बढ़िया। ऋषभ राजपूत कह रहे सर सॉल्व कर। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे माय डियर। रेडी हैं आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? देखो क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है। ए ड्रिलिंग मशीन हैज सिक्स स्पीड्स। यूजिंग ड्रिल्स ऑफ डायमीटर ड्रिल्स ऑफ डायमीटर रेंजिंग फ्रॉम 6.25 mm to 25 mm। इफ द कटिंग इफ ड्रिल्स कटिंग स्पीड इज 18 meter per minute, then the ratio between then the ratio between two consecutive spindle speed is, tell me, everyone please tell me, is dash. Can anyone please let me know the right answer? Can anyone please let me know the right answer? आकाश, ऋषभ राजपूत, एवरीवन जल्दी से बता दो राइट आंसर क्या। आई एम गिविंग यू टाइम, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, जस्ट प्लीज रिस्पॉन्ड एवरीवन। प्लीज लेट मी नो द राइट आंसर। 1.32। अमोल, अमोल गिविंग द एब्सोल्युटली राइट आंसर, वेरी गुड अमोल। तो व्हाट वी कैन डू हियर, डायमीटर इज गिवन, वेरी गुड अमोल। तो फर्स्ट राइट द गिवन वैल्यूज, स्मॉल एन इज इक्वल्स टू 6, दैट इज द डी मिनिमम, मिनिमम डायमीटर इज योर। अमोल मैं आपको पहली बार देख रहा हूं अपने वीडियो में। आप मेरा लेक्चर देखते हैं क्या? आप मेरा लेक्चर देखते हैं क्या? मैं आपका नाम पहली बार देख रहा हूं। 25 mm। अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड बोल रहा है, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम दोनों क्या है, बराबर। राइट, दैट इज योर 18। तो आपको मालूम है आपको आर चाहिए, आर का फॉर्मूला आपको पढ़ा है ये वाला, एन मैक्स अपॉन एन मिनिमम, एन मैक्स अपॉन एन मिनिमम इज इक्वल टू वी मैक्स बाई वी मिनिमम,
इंटू डी मैक्स बाई डी मिनिमम आर टू दी पावर एन। तो आप क्या यूज करेंगे, देखिए ये वाला, इसको याद कर लीजिए एवरीवन, क्या है फॉर्मूला, एन मैक्स डिवाइडेड बाई, इसको याद कर लीजिए, सवाल नहीं बनेगा, एन मैक्स बाई एन मिनिमम वी मैक्स बाई वी मिनिमम। कहां से आया, मैंने डिराइव कराया है आपको, इंटू डी मैक्स। अमोल जी कुछ बताया नहीं आपने, अमोल जी कुछ बातें कीजिए, अमोल जी बताइए आप, इज इक्वल टू आर टू द पावर एन माइनस वन, राइट। तो हियर यू कैन से दैट वी मैक्स वी मिनिमम कैंसिल, डायरेक्टली यू कैन यूज डी मैक्स बाई डी मिनिमम। तो डी मैक्स बाई डी मिनिमम इज वॉट, दैट इज 25 डिवाइडेड बाई 6.25 आर टू दी पावर 6 माइनस 1 मीन्स आर टू दी पावर 5 मीन्स आर इज इक्वल्स टू, मीन्स आर इज इक्वल्स टू माय डियर, दिस इज योर एक्चुअली अ 4 टू दी पावर 1 बाई 5, 4 टू दी पावर 1 5 इज अप्रोक्सीमेट approximately 1.32, that is absolutely right answer, amazing everyone, but without calculator you cannot do this, right, calculator is required, very good, amazing, Amol ji, yes sir, I saw all lectures, but I am seeing you first time in my lecture, I am preparing for ISRO technical assistant, okay, बहुत बढ़िया, आप तैयारी कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, राइट, मैं आपके साथ हूँ, एंड प्रिपेयरिंग फॉर गेट एज वेल एज, वेरी गुड, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, टेक्निकल असिस्टेंट, आप तो अगर गेट दे रहे हैं मतलब आप ग्रेजुएट होंगे ना, तो आप साइंटिस्ट इंजीनियर एससी के लिए प्रिपेयर करेंगे ना, टेक्निकल असिस्टेंट तो शायद डिप्लोमा वालों के लिए होता है, आप तो ग्रेजुएट है ना, बीटेक किए हुए हैं, तो आप एससी वाला एग्जाम दीजिए, साइंटिस्ट इंजीनियर वाला, उसमें आपको ज्यादा अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, अगर आप डिप्लोमा के बाद बीटेक किए हैं तो आप उसमें, तब तो आप हर जगह एलिजिबल है, आपको बेनिफिट होगा वहां पे। तो हम लोगों ने दो क्वेश्चन कर लिया यहाँ पे स्पिंडल स्पीड सिलेक्शन पे माय डियर, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखो 1 और 2 के बाद एक और क्वेश्चन नंबर 3 है, तो अभी तक देखो पीआई में क्वेश्चन आ चुका है, इससे प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल से जितने लड़के गेट दे रहे होंगे उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन मैकेनिकल में अभी तक नहीं आया, तो कभी भी आ सकता है, अगर आ जाए तो डरना नहीं, अयाज सर पढ़ाए हुए हैं, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, एक चलते हैं मेंस का क्वेश्चन करते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस, मार्क्स। अब गेट में आपको इसी में से कोई एक, ये जो क्वेश्चन 10 मार्क्स का करने जा रहे हैं इसमें से कोई एक पार्ट आएगा, राइट, देखिए क्या है क्वेश्चन, एवरीवन कह रहा है ए 6 स्पीड गियर बॉक्स, 6 स्पीड गियर बॉक्स is used to Ravi Singh ji, good evening, hi Ravi, good evening, how are you, at a cutting speed ranging from 40 meter per minute to 120 meter per minute. Okay, for diameter ranging from
डायमीटर रेंजिंग फ्रॉम, देखो यहां पे दोनों वेरी करा दिया, यहां पे दोनों वेरी करा दिया, राइट। डायमीटर भी वेरी करा रहा है और कटिंग स्पीड भी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, कटिंग स्पीड यूनिफॉर्म था, सिर्फ डायमीटर वेरी कर रहा था। तो और इससे सबसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ आपका आरपीएम चेंज कर रहा था। तो तीन तरह का क्वेश्चन है, थ्री डिफरेंट टाइप्स का। तो आप इसको देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके आ जाओ। डायमीटर रेंजिंग फ्रॉम 100 mm टू 200 mm, फाइंड ऑल द सिक्स स्पिंडल स्पीड। देखो यहां पे आया था फाइंड ऑल दी सिक्स स्पिंडल स्पीड, मतलब छो निकालना है। लेकिन गेट कभी ऐसा नहीं पूछेगा, गेट बोलेगा सिक्स बताइए, फिफ्थ बताइए, या फोर्थ बताइए, या थर्ड बताइए, कोई एक पूछ देगा। ये बोल रहा है छो, मतलब N1 फर्स्ट स्पीड, सेकेंड स्पीड, थर्ड स्पीड, सेकेंड फोर्थ, सब बताइए। तो चलिए बना लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। फाइंड ऑल दी सिक्स स्पिंडल स्पीड। तो जब भी आपको रिविजन करना होगा ना गेट एग्जाम के पहले, जब अगर आप भूल रहे हैं, तो आप इसी क्वेश्चन को बस रिवाइज कर लीजिएगा, आपका सारा चीज हो जाएगा। फाइंड ऑल दी सिक्स स्पिंडल स्पीड्स कितने मार्क्स में आया था, लिखा हुआ है 10 मार्क्स। चलो एवरीवन स्टार्ट करते हैं। नवनीत जी कह रहे हैं सर ज्ञान लेने आए हैं। रवि जी, यस सर, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, आई सॉ ऑल अपडेटेड लेक्चर्स अपलोडेड, वेरी गुड, थैंक यू। नवनीत को, सर मैं सारा लेक्चर्स रिकॉर्डेड देखता हूँ, ऑसम टीचिंग, बेस्ट प्रोडक्शन लेक्चर सीरीज ऑन यूट्यूब। चलिए थैंक यू, थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स। आ जाओ चलिए बनाइए। N1 बताइए, कोई एक लड़का N1, मैं नहीं बनाऊंगा, आप बनाएंगे, मैं आपको बस गाइड करूंगा। यू हैव टू बस प्रोसीड। सबसे पहला काम क्या करना है, गिवन लिख लेना है। जब भी कुछ नहीं समझ में आए, राइट, जब भी कुछ नहीं समझ में आए गिवन। जैसे एग्जाम में कैसे होता है, जैसे मान लो सेमेस्टर में जैसे हम अपना लिख रहे हैं, बगल वाले का मुंडी घुमा के देखते हैं ना पीछे वाले का सेमेस्टर में, राइट। प्रोफेसर जब इधर उधर जाता है गार्डिंग में, तो मुंडी घुमा के पीछे वाले का देखते हैं, राइट। और जब प्रोफेसर सामने आके खड़े हो जाते हैं, जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं, तो हम क्या करते हैं, सेमेस्टर में तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, 4 महीना तो मक्कारी हुआ है सिर्फ कॉलेज में, इंजीनियर कितना पढ़ता है आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। तो हम लोग क्या करते हैं, बस गिवन लिखते रहते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो मालूम नहीं है क्या यूज होगा और सॉल्व कैसे होगा, राइट। तो प्रोफेसर के सामने हर सवाल का गिवन, बस यहाँ पे भी वही काम करो, प्रोफेसर है, प्रोफेसर के सामने हर सवाल का गिवन लिखो पहले, कि कुछ नहीं समझ में आया गिवन लिख दो, उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या दिया हुआ है, सिक्स सिक्स स्पिंडल स्पीड है ना, सिक्स सिक्स गियर बॉक्स, मतलब एन इज इक्वल टू सिक्स। कटिंग स्पीड रेंजिंग फ्रॉम, मतलब वी मिनिमम इज योर 40 मीटर में, ध्यान दीजिएगा मीटर, ये कुछ लड़का यहां से भूल जाता है। और आपका वी मैक्सिमम क्या है, वी मैक्सिमम इज 120 एंड डायमीटर इज रेंजिंग फ्रॉम डी डी मिनिमम 100 mm और डी मैक्सिमम आपका कितना है, 40। चलो तो ये इतना पार्ट हमें दिया हुआ है गिवन। सर ये स्पिंडल स्पीड मशीन टूल के अंदर आता है, हाँ मशीन टूल के अंदर आता है बिल्कुल। चलो आ जाओ माय डियर, आगे आ जाइए। ये देखिए, तो ये हमें मिल गया, अब हमें निकालना है, तो कैसे बढ़ाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, कोई एक लड़का। तो सबसे पहला चीज ये जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, N1 फर्स्ट स्पीड। फर्स्ट स्पीड कैसे निकालेंगे, मैंने आपको पढ़ाया, देखो N1 N1 इज द फर्स्ट स्पिंडल स्पीड, दैट इज द मिनिमम स्पिंडल स्पीड, वी मिनिमम पाई इंटू डी मैक्स। बस इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, हमारा निकल जाएगा। तो जैसे ही फर्स्ट निकला तो काम तमाम हो जाता है, सबसे पहले फर्स्ट स्पिंडल स्पीड निकाल लो। तो तुम बोलोगे कि यार सर फर्स्ट स्पिंडल स्पीड अगर निकालते हैं तो एन मिनिमम आपको मालूम है, एन मिनिमम क्या आएगा, वी मिनिमम डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी मैक्स। तो ये आपका माई डियर ये आ जाएगा, मिनिमम स्पीड कितना है, मिनिमम स्पीड देखो, तो मिनिमम स्पीड 40,
40 मीटर। सर पूरा मशीन टूल पढ़ डाले लेकिन प्लस वाले फैकल्टी ने इसका कोई जिक्र नहीं किया। मेरा लेक्चर इसका मतलब नहीं देखे हो, मेरा लेक्चर देखे हो प्लस पे, मेरा देखे ही नहीं हो, देखे हो, देखे होते तो पढ़े होते। चलो आ जाओ, ये क्या है, ये मीटर में है तो मीटर में इसको क्या करेंगे। अरे गेट में आया हुआ है, पीआई में बार बार ये कर रहे हो, पीआई में आया हुआ ये क्वेश्चन, ये वाला पीआई का ही है, मैकेनिकल में कभी भी टपक सकता है ये वाला, ये इसरो में आया हुआ है, ईएसई प्री में आया हुआ है, ये तुम्हारा प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल गेट में आया हुआ है, मैकेनिकल में कभी भी आ सकता है कभी भी, इसलिए पढ़ लीजिए। 40 × V मिनिमम क्या है आपका, मिनिमम स्पीड इज 40 मीटर पर मिनट, मीटर मतलब 1000 मतलब एमएम, डिवाइडेड बाय पाई × डी मैक्स, डी मैक्स, डी मैक्स, डी मैक्स, डी मैक्स इज 200। चलो कोई एक लड़का मुझे ये बता दो, N1 मिनिमम स्पीड को ही फर्स्ट स्पीड बोलते हैं, और मिनिमम स्पीड ये कितना आ रहा है, 63.69। सॉल्व कर लेते हैं, नवनीत जी बता रहे हैं सही बता रहे होंगे, लेकिन फिर भी भरोसा तो मैं कर सकता हूं क्योंकि ये मेरे सारे वीडियो पे कमेंट करते हैं, मैं इनका कमेंट देखा हूँ, अनएकेडमी कभी कभी मुझे भेजती है, ये आपके डाई हार्ड फैन है, हर वीडियो पे कमेंट करता है मेरे ये, राइट 63.66, राइट 63.66। चलिए आज आपसे मुलाकात हो गया नवनीत जी, पहले मैं आपको सोचता था कि ये कौन लड़का है, लेकिन आज मिल लिया। आइए तो फर्स्ट स्पीड निकल गया माय डियर, फर्स्ट स्पीड, तो पहला स्पीड निकल गया, आगे बढ़ो, पहला स्पीड निकल गया, टोटल कितना स्पीड निकालना है, 6, 6 स्पीड, फर्स्ट स्पीड निकाल लिए। N2 कैसे निकालेंगे, तो N2 कैसे निकालेंगे, कोई एक लड़का N2, अब देखो N2 कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए पहले तुमको R निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना R के तुम निकाल नहीं सकते हो, तो रेशियो ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव स्पिंडल स्पीड। अब R तुम कैसे निकालोगे, दैट्स क्वाइट इजी, क्वाइट इजी, हमें मालूम है R हम कैसे निकालते हैं, तो देखो पहला स्पीड तो निकाल लिए, लेकिन हमें मालूम है कि एक चीज के एन मैक्स बाई एन मिनिमम, वी मैक्स अपॉन वी मिनिमम इंटू डी मैक्स अपॉन डी मिनिमम, यही है ना, यही बताया है ना, यही फॉर्मूला, डी मिनिमम इज इक्वल्स टू आर टू द पावर एन माइनस वन। तो आप आ जाइए यहाँ पे, वी मैक्स कितना है, देखो वी मैक्स, वी मैक्स, वी मैक्स 120, 120 डाल दो, डिवाइडेड बाय वी मिनिमम कितना है माय डियर, वी मिनिमम है तुम्हारा 40, 40 डाल दो, यहाँ पे चेंज करने का जरूरत नहीं, कुछ लड़का यहाँ पे भी चेंज करता है, पता नहीं क्या, पता क्या क्या बोलूं भाई, जब कट जाएगा तो क्यों चेंज करो, टाइम वेस्ट, बोलेगा सर आप वेलोसिटी को मीटर में पुट कर रहे हैं, डायमीटर को एमएम में, उसका पेट में दर्द होने लगता है उसके, अरे जब दोनों रेशियो है तो कट जाएगा, तो ये 200 बाई 100, आर टू दी पावर 6 माइनस 1 मतलब आर टू दी पावर 5, तो ये तुम्हारा माई डियर आ गया आर टू दी पावर 5, ये आ गया 4 तिहाई और 100 से 2, ये आ गया 6 मतलब ये आ गया 6 मतलब आर हमारा आ गया 6 टू दी पावर 1/5 मतलब 1.43, बहुत बढ़िया 1.43, ऋषभ राजपूत का आंसर बिल्कुल सही है। तो आर आ गया, अब जैसे ही आर आ गया अब तो सवाल खत्म, अब तुमको एक जनरल स्टेटमेंट मैंने पढ़ाया हुआ है, क्या कि मैंने तुमको पढ़ाया, देखो अगर तुमसे nth स्पीड पूछे तो ये होता है फर्स्ट स्पीड आर टू दी पावर एन माइनस वन, इसको याद रखना, nth स्पीड इज n1 आर टू दी पावर एन माइनस वन, बस हो गया, ये तो मैंने प्रूफ भी किया है, थोड़ी देर पहले प्रूफ भी किया है, वीडियो को पीछे करके देखिएगा तो आपको प्रूफ दिख जाएगा। चलिए फर्स्ट स्पीड चाहिए तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्पीड आइए,
फर्स्ट स्पीड माय डियर, फर्स्ट स्पीड देखो, फर्स्ट स्पीड हमारा आएगा, मतलब एन वन हम ऑलरेडी निकाल रखे हैं, एन वन क्या हो जाएगा, एन वन ऑलरेडी निकाल के बैठे हैं ना, कितना है हमारा 63.66 डाल दो, सेकेंड स्पीड एन टू, एन टू यहां डालोगे तो आर के जगह पे टू डालोगे, तो एन वन इंटू आर, आर के जगह पे टू डालेंगे, टू माइनस वन एन वन इंटू आर, क्या बोलेंगे आर इंटू एन वन, तो 63.66 इंटू 1.43 कितना आ रहा है एवरीवन, ये आ रहा है 91.03 आरपीएम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सेकंड भी मिल गया। थर्ड स्पिंडल स्पीड, थर्ड स्पिंडल स्पीड एन थ्री एन वन इंटू आर स्क्वायर, एन वन इंटू आर स्क्वायर कैसे, देखो थर्ड डालना है मतलब एन के जगह पे थ्री, तो एन वन आर थ्री माइनस वन मतलब एन वन आर स्क्वायर, तो 63.66 इंटू 1.43 स्क्वायर। एक लड़का बोलेगा सर इसको मैं ऐसे निकाल सकता हूं क्या, एन थ्री इज इक्वल टू एन टू इंटू आर, राइट, एन थ्री इज इक्वल टू एन टू इंटू आर, हाँ ऐसे भी निकाल सकते, बात वही है, एन टू इंटू आर लिखिए, क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव स्पीड का रेशियो आर होना है, या तो आप एन थ्री बाई एन टू को भी आर बोल सकते हैं और आप एन टू बाई एन वन को भी आर बोल सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा माई डियर 130, तो ये ज्यादा आसान है, तो हम लोग इसी को यूज करते हैं, तो आपका फोर्थ स्पीड हो जाएगा 4 हो जाएगा एन थ्री इंटू आर, डायरेक्ट मैंने एन थ्री इंटू आर लिख दिया, तो एन थ्री आपको मालूम है 130.18, 1.43, तो ये आपका आ जाएगा 1.43, 186 सर ऑर्थोगोनल कटिंग खत्म हो गया, हाँ खत्म हो गया खत्म हो गया, गेट के हिसाब से जितना पढ़ना था खत्म हो गया, फिफ्थ सीट मतलब एन फाइव एन फोर इंटू आर, टेल मी एवरीवन, टू सिक्स सिक्स एंड द लास्ट वन इज योर 6 स्पीड, दैट इज योर एन सिक्स, मतलब 266.20, थ्री एट्टी थ्री एटी सिक्स, तो दैट इज द फाइनल आंसर, कितने लड़के का आंसर आ गया, आकाश बगल का 91, 130, 186, 266, 380, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड आकाश, अमेजिंग नवनीत, अमेजिंग एवरी वन गिवन द एब्सोल्युटली राइट आंसर, तो आई होप दिस प्रॉब्लम इज डन, आई होप दिस प्रॉब्लम इज डन, क्वेश्चन नंबर थ्री सारे लोग को समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें जल्दी से बता दो, सारे लड़कों को समझ में आ गया, कोई ऐसा लड़का जिसको प्रॉब्लम है इसमें, जस्ट प्लीज लेट मी नो माई डियर,
मजा आया। स्पिंडल स्पीड इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछता रहेगा, कभी स्पीड चेंज कर देगा, कभी डायमीटर चेंज कर देगा, कभी आरपीएम, और इसी तरह के फॉर्मूले आपको एन मिनिमम, एन मैक्स, वी मिनिमम, वी मैक्स, इस तरह के हम लोग क्वेश्चंस करते रहेंगे। और ये गेट में आता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में आता है, और ये माय डियर आपका इसरो एग्जाम्स में भी आता है। तो शायद आपको आज का ये सेशन समझ में आया होगा, बढ़िया लगा होगा। जल्दी से बता दीजिए एवरीवन। बढ़िया, अमेजिंग, बढ़िया लगा, बहुत शानदार, बहुत शानदार, वेरी गुड। सब लड़के को समझ में आ रहा है? एवरीवन समझ में आया? एक बार हार्ट शेयर कर दीजिए बच्चों, एक बार हार्ट शेयर कर दीजिए माय डियर, अगर आपको मजा आ रहा है तो प्लीज एक बार हार्ट शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि सर समझ में आ रहा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर वे में स्पिंडल स्पीड का ज्ञान हमें हो गया है, अब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो हम आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा मुझे एक बार हार्ट शेयर कर दीजिए सब आदमी, एवरीवन लेट्स मोटिवेट मी। चलो चलो, बहुत बढ़िया एवरीवन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। समझ में आ रहा है सबको? एवरीवन कमेंट बॉक्स से बताइए। वेरी गुड नवनीत, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, वेरी गुड। और कोई लड़का? आकाश, तो चलिए बच्चों, तो मेहनत करते रहिए इसी तरह राइट डायरेक्शन में, ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए, और सफलता उसे ही मिलती है जो डेयरिंग करता है, जो ऑनेस्टली अपने एग्जाम के प्रति ऑनेस्टली मेहनत कर रहा है, वो हमेशा डेफिनेटली उसको सफल होना ही है। तो बस ईमानदारी से पढ़ते रहिए, मेरा गाइडेंस आपके साथ है, मेरे साथ बने रहिए। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करूंगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, बाय। राइट, ओके। तो मैं आपको बाकी सेक्शन कल कराऊंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो लेट्स क्रैक गेट एंड ईएसी एंड सब्सक्राइब द लीड गेट टेलीग्राम एंड यूट्यूब चैनल्स। और अयाज सर का अयाज 10 कोड जरूर याद रखिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लीड गेट यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय, सी यू एवरीवन, सी यू टुमारो।